क्या आप जानते हैं कि सेलिब्रिटीज आईफोन क्यों रखते हैं? या फिर क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां टॉयलेट जाकर आप पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि कैडबरी चॉकलेट में बीफ मिला होता है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 10, अक्सर हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो उनके हाथों में आईफोन होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सभी सेलिब्रिटी ही आईफोन ही क्यों यूज करते हैं? वो एंड्रॉइड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? दरअसल सेलिब्रिटीज आईफोन यूज करते हैं उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है इवोल्यूशन, यानी कि अगर कोई इंसान रेगुलर आईफोन यूज करता है तो वो उसके फीचर्स अच्छे से समझने लगता है, और एंड्रॉइड की तरह आईफोन कम इवेल्युएट होते हैं क्योंकि उसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं होते। आईफोन का इवोल्यूशन काफी रेयर होता है और एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। इनके सॉफ्टवेयर्स एंड्रॉइड फोन की तरह बदलते नहीं रहते। दूसरा रीजन है प्राइवेसी। आपको तो पता ही होगा कि आईफोन प्राइवेसी के मामले में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। एंड्रॉइड के मुताबिक आईफोन वायरस फ्री रहता है और साथ ही उसके एप्स भी काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं। और तीसरा रीजन है आईफोन का लोगो। दरअसल आईफोन को बहुत सारे लोग स्टेटस सिंबल मानते हैं, जो ये शो करता है कि जो आईफोन के ओनर होते हैं वो रिच होते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि टॉयलेट जाकर भी आप पैसे कमा सकते हैं तो क्या आप इस बात पर बिलीव करेंगे? शायद नहीं, लेकिन इस बात को सच कर दिखाया है साउथ कोरिया के एक प्रोफेसर ने, जिनका नाम है चोई जाइवॉन। यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक ऐसी टॉयलेट का इन्वेंशन किया है जिसमें जो भी स्टूडेंट इसका यूज करेगा उसका वेस्ट मटेरियल को वैक्यूम पंप के जरिए अंडरग्राउंड टैंक में भेज दिया जाएगा, जिसके बाद उस रास्ते मटेरियल को ब्रॉक डाउन करने के बाद मीथेन गैस जनरेट होगी। इस गैस को वहाँ एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज किया जा सकता है। साथ ही जो भी स्टूडेंट इस टॉयलेट का यूज करते हैं उन्हें क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में पे किया जाएगा। फैक्ट नंबर 8, अब जो फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान अपनी पूरी लाइफ में कितना खाना खाता है? अगर नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। वैसे तो एक सामान्य व्यक्ति खाना 3 टाइम खाता है, वहीं कुछ प्रो एक्टिव लोग थोड़ा थोड़ा खाना लेकर 5 बार खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में करीब 35 टन खाना खा जाता है, वहीं एक व्यक्ति पूरी लाइफ में करीब 10 से 11 लाख बार खाना खाता है। साथ ही बता दें कि एक व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ में 7 साल नींद में यानी कि सोने में बिता देता है, और हर रोज हमारे मुंह में करीब 720 ml सलाइवा बनता है जो 80 साल में 21,024 लीटर तक बन जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि कैंसर पेशेंट्स के बाल क्यों झड़ जाते हैं? दरअसल कैंसर से लड़ने के लिए डॉक्टर्स पेशेंट्स को कई तरह की दवाइयां और थेरेपी देते हैं, जिसमें सबसे मेन होती है कीमोथेरेपी। इस कीमोथेरेपी प्रोसेस में कई तरह के केमिकल और ड्रग मेडिसिन का यूज किया जाता है जिससे कैंसर सेल डैमेज होते हैं, लेकिन इस थेरेपी की वजह से बॉडी के अच्छे सेल पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब क्योंकि हर दवाई का अपना अपना साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही कीमोथेरेपी में सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है हमारे बालों पर, जिसकी वजह से कैंसर पेशेंट्स के बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। वैसे कैंसर से ठीक होने के 5 से 6 महीने बाद पेशेंट के बाल वापस आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, शराब के सेवन को एक बुरी आदत माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले के लोग शराब को मिरर ऑफ द माइंड कहा करते थे? उनका मानना था कि शराब पीने के बाद ही इंसान अपने असली रूप में आता है और वही बोलता है जो उसके दिमाग में होता है। ये शराब पीने को बहुत पवित्र काम समझते थे और डायनासस नाम के एक देवता को शराब का देवता मानते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है तो ये फैक्ट आपके लिए है। क्या आपको पता है कि हॉरर फिल्मों का आपके शरीर पर क्या असर पड़ता है? हॉरर फिल्में देखने वाले लोगों पर हुई एक रिसर्च के मुताबिक हॉरर फिल्म देखने की वजह से एक इंसान की 90 मिनट में करीबन 200 कैलोरी बर्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हॉरर फिल्म देखने के दौरान आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो दोस्तों जिन्हें भी कैलोरी बर्न करनी है विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज, आप हॉरर मूवीज देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, 2, 3 और 4 चक्के वाली गाड़ियों को तो आपने देखा ही होगा, साथ ही 10 और 12 चक्कों वाला ट्रक भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने एक पहिए का व्हीकल देखा है? अगर नहीं तो जरा इस वीडियो को देखे जना, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये गोल आकार व्हील कोई व्हील नहीं बल्कि एक गाड़ी है। एक पहिए वाली इस गाड़ी का निर्माण साल 1930 के आसपास ब्रिटेन के रहने वाले डॉक्टर जे ए फर्ब्स ने किया था। उन्हें इस तरह की गाड़ी बनाने का आइडिया लियोनार्डो दा विंची के एक स्केच से मिला था। इस गाड़ी का नाम डायनास्फीयर है और इसकी टॉप स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ करती थी। क्या आप इस गाड़ी को चलाना पसंद करेंगे? फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि कैडबरी कंपनी अपने चॉकलेट्स को डिलीशियस बनाने के लिए उसमें बीफ मिलाती है? दरअसल हाल ही में इंटरनेट पर एक वेबसाइट से लिए गए एक स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करके दावा किया गया कि यदि किसी प्रोडक्ट में जिलेटिन इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें गाय का मांस का भी इस्तेमाल किया हुआ है। इस मैसेज के बाद हंगामा खड़ा हो गया और कैडबरी की चॉकलेट को बायकॉट करने की मांग उठने लगी, जिसके बाद खुद कंपनी को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सामने आकर बयान जारी कर वायरल होते मैसेज का अपोज करना पड़ा। कंपनी की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा संदेश एक मिथ है, भारत में तैयार किए जाने वाला प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने रोमन काल के इन एंशियंट और अट्रैक्टिव इमारतों को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस जमाने में बनी हुई इमारतें अब तक वैसी की वैसी ही क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इन पुरानी और चमकदार इमारतों को किस तरह के कंक्रीट से बनाया गया होगा जो आज भी खराब नहीं हो रहा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोमन साम्राज्य के दौर में इमारतों के निर्माण में जो कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता था वो समय के साथ कमजोर होने के बजाय और ज्यादा मजबूत ही हो जाता था। इस कंक्रीट को बहुत सारे मटेरियल से मिलाकर बनाया जाता था। फैक्ट नंबर 1,
अक्सर हम पार्टी या फिर किसी फैशन शो में देखते हैं कि लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहने होते हैं और वो खुद को बेहद कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लैक कलर के कपड़ों में कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट क्यों फील करता है? दरअसल ब्लैक कलर लाइट एब्जॉर्बिंग कलर है। ब्लैक कलर के कपड़े शरीर में फिट बैठते हैं क्योंकि ब्लैक कलर हमारे स्किन टोन से कॉन्ट्रास्ट करता है। रिसर्च के मुताबिक ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से इंसान पतला भी नजर आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोटे हैं और किसी भी पार्टी या ओकेशन पर जाना चाहते हैं तो ब्लैक कलर के कपड़े आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। साथ ही रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक होता है वो बहुत ही सेंसिटिव और क्रिएटिव पर्सन होते हैं। ऐसे लोगों को लाइफ में इंडिपेंडेंट रहना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा ब्लैक कलर को पसंद करने वाले लोग किसी से जल्दी क्लोज नहीं होते हैं बल्कि एक गैप बनाकर रखते हैं और किसी भी काम में उनको बदलाव ज्यादा पसंद नहीं होते बल्कि जो भी जैसा चल रहा है वैसा ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।